अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई सिखा रही हूँ। बहुत इजी, बहुत आसान। जो तरीका ये है कि सबसे पहले ये तकरीबन गोश्त 1.5 से 2 किलो से कम गोश्त है, ये 1.5 किलो के कम। इसको मैंने डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर डाल दिया, कोई मैंने ऑयल नहीं डाला, कोई कुछ घी वगैरह नहीं डाला। साथ ही ये टमाटर भी ऐसे चले जाएंगे। तकरीबन टमाटर मेरे 3 पाव जितने टमाटर हैं, 3 पाव टमाटर हैं। साथ ही मैंने ये लहसुन, अदरक नहीं है, लहसुन ऐसे पीसा हुआ है, और इसे ये भी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच लहसुन खा लिया है। और टमाटर तकरीबन ऐसे एक टमाटर में से 2-2 पीस करके मैंने डाली है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम से लो आंच पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। फिर आप 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। फिर 1 कप जितना पानी भी डाल दे रहे हैं साथ ही, बस अभी नहीं मिक्स कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको अच्छी तरह तकरीबन इसको अच्छी तरह से इसी ही पानी में इसी तरह ही भूनना है। जैसे जैसे ये रेसिपी होती रहेगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक लूँ ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाए। जब टमाटर बिल्कुल नरम हो जाएंगे तो फिर मैं आगे दिखाऊंगी रेसिपी, आगे से कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये देखिए टमाटर नरम हो चुके हैं, थोड़े से टमाटर और सकते हैं, इसको ऐसे दबा दबा के कर लेते हैं। ये तकरीबन ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, ये उनकी सीक्रेट होती है। तकरीबन रेस्टोरेंट सीक्रेट रेसिपी होती है। अब ये मैं टमाटर तकरीबन ऐसे निकाल लूँगी आपके सामने। तकरीबन टमाटर का अरोमा भी उसमें बिल्कुल आ गया है गोश्त में, और ना ये ज़ाया होंगे कि भी ज़ाया हो गए निकाल दिए, नहीं ये भी इस्तेमाल होंगे साथ। ये बहुत मज़े की होती है, तकरीबन इसी का तो टेस्ट होता है। सारी कढ़ाई तो होती ही टमाटर के नाम से कि टमाटर की कढ़ाई। तकरीबन इसमें प्याज नाम चार अवल तो डलती नहीं, डलती भी है तो बिल्कुल बहुत कम। ये मैं इसको पीस कर दिखाती हूँ और फिर आगे शुरू करते हैं कि रेसिपी कैसे करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने अभी टमाटर निकाले थे वो तकरीबन मैंने पीस लिए और मैंने फिर दोबारा इसमें डाल दिए। अब इस टमाटर भी साथ डाली जाएंगे, डाले हैं, और इस साथ ही मैं मसाले भी डालती जाऊँगी, और इसी पानी में ये गोश्त भी गल जाएगा और बहुत टेस्ट लाजवाब ये कढ़ाई बनेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है ये। साथ ही ना मैंने ये 1 कप छोटी सी प्याज मैंने पीसी हुई है, वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब इसको तेज़ आंच पर, ये तेज़ आंच पर बनती है तकरीबन, ज़्यादातर फुल आंच तकरीबन होगी तो उसमें ये कढ़ाई अब साथ साथ चम्मच लेते रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैं इसमें मसाले डालेंगी वो ये है, 1 खाने का चम्मच कुटी मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया। नमक हसबे जायका, आप जितना हल्का टेस्ट करना चाहिए वो डाल सकते हैं। और इस सबको अच्छी तरह मिक्स करके आप इसे चम्मच इस तरह नहीं चलाना कि गोश्त, तकरीबन ऐसे ऐसे टाइप से करना है कि गोश्त ना टूटे, और नहीं टूटेगा। अगर आप इसमें चम्मच जोर से चलाएंगे तो गोश्त टूट जाएगा। अब इसे ऐसे खुला ही इसे पकने दें। तकरीबन आपने देखा होगा कि ये अपना ही गोश्त ने पानी छोड़ा है, कुछ पानी डाला है, कुछ टमाटर का पानी, ये अपने आप में होगा। मैंने जो मसाले डाले उसके बाद जो मैंने चीज़ें डाली वो ये है कि मैंने 1 कप दही ली, उसमें तकरीबन 1/2 से कम कप मैंने क्रीम लेके उसे मैंने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, और ये गार्निश के लिए अदरक है, धनिया है, हरी मिर्चें जो ऊपर से करूँगी, और घी जब मैं अभी
बिल्कुल एंड पे डालूंगी जब मैं भूनने लगूंगी। अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ, और ये घी में ही बनती है, ये ऑयल में नहीं बनती। ये एक कप घी है, आप बिल्कुल इसी स्टेज पे डालना, इससे पहले नहीं डालना। बड़े प्यार प्यार से, बड़े हल्के हाथ से चलाना है ताकि आपका गोश्त ना टूटे, नहीं तो इस स्टेज पे गोश्त टूट जाता है। अगर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो गोश्त टूट जाए। आपने भी देखा होगा कि मैं बहुत हल्के हाथ से चम्मच चला रही हूँ। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, इतनी मज़े की होती है। आपने देखा होगा कि कोई इसमें ज़्यादा लवाजमात नहीं है, लेकिन ये स्टाइल बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत मज़े के। इसमें सब मैंने होममेड स्पाइस डाले, कोई मैंने बाजार का मसाला नहीं डाला, कोई मैंने किसी चीज़ फालतू नहीं डाली है। जो घर में चीज़ें उससे ही आप शानदार कढ़ाई तैयार कर सकते हैं, मुझे उम्मीद। इसमें तकरीबन जब खाना बनाएंगे ना, आपने ये नोट किया होगा कि इसमें अदरक नहीं जाएगा, लहसुन का पेस्ट जाएगा, वो भी बिल्कुल फाइन पानी में, ज़्यादा पानी में डाला पिसा हुआ। अब ये देखें कि साथ साथ घी ऊपर आता जा रहा है। अदरक सिर्फ गार्निश के लिए काम आएगी, वैसे इसमें पकने में बिल्कुल अदरक नहीं डलेगी। अब ये ना तकरीबन थोड़े थोड़े से ना मैंने क्रीम और दही को ना अच्छी तरह ग्राइंडर कर लिया था ताकि ये एक जान हो जाए। और जो हो मतलब रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, वो तकरीबन पूरी क्रीम नहीं डालते, वो दही में ही क्रीम मिक्स करके तो ऐसा उसका टेक्सचर आ जाता कि जैसे बिल्कुल ही क्रीम डाली हुई है, लेकिन साथ दही भी शामिल होती है। और जितनी ग्रेवी आपने बनानी है आप जो उतनी ज़्यादा डालेंगे ग्रेवी बनती जाएगी। अब इसमें पकती भी जाएगी और ग्रेवी भी तैयार होती है। इसको ढक के बिल्कुल नहीं पकाना, ये वो स्टेज है जो तैयारी पे आने बनी होती है। तकरीबन अब ये बिल्कुल तैयारी पे, जैसे घी छोड़ देगा गोश्त तो मसाला से घी छोड़ देगा, समझो कि ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गई है। ये मैं चूल्हा आपके सामने बंद कर रही हूँ, और अब ये सब्ज मिर्चें डालनी है गार्निश के लिए, बाद में जो वो आपके टेस्ट, आप जितनी चाहे डालें। ये अदरक डाल दी और ये सब्ज धनिया डाल दिया, ये एक चाय का चम्मच गरम मसाला। और इस स्टेज पे बस ये थोड़ी सी ऐसे गार्निश के लिए, ये बस ये बिल्कुल कंप्लीट रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।